नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स फर्स्ट में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में ग्रेड 10 की ट्रिग्नोमेट्री की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 8.1 कराई थी, ठीक है। मैं भूल गया था कौन सा चैप्टर है, पर मुझे लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री आपका 8वां चैप्टर था। इतने सारे लोगों को पढ़ा रहा हूँ ग्रेड 10, ग्रेड 9, ग्रेड, तो कंफ्यूजन हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.2 को करेंगे, और उसके जो बेसिक्स हैं उसको देखने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। फेसबुक पे भी मैं अवेलेबल हूँ सुधांशु मैथ्स के नाम से। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। मेरे साथ क्लास में जुड़ी हुई हैं शमा और नमन एंड रूहानी। तो बेटा अब हम मैंने आप लोगों को दिए थे जो लास्ट जो पहली एक्सरसाइज थी, आमतौर पे अगर हम देखें उस पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी सिर्फ एक ही थ्योरम पे थी, पाइथागोरस थ्योरम। उस पर हमने क्या किया था, हर बार पाइथागोरस थ्योरम के तहत हमने एक तीसरी साइड निकाली थी, और तीसरी साइड को निकालने के बाद हमने उसको इक्वेट करके अलग अलग वैल्यूज को निकाल दिया था, चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो जाए। हमेशा आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस एंगल को आपको देखना है उसमें आपका जो नजरिया है वो उस एंगल पे जाके देखना पड़ेगा। आपको आंख यहाँ या फिर ऊपर जाके लगानी पड़ेगी। अगर तुमने सही तरीके से आंख या कैमरा फिट नहीं किया तो तुम्हारे सवाल मैक्सिमम गलत हो जाएंगे। तुम जोश जोश में बोल दोगे अरे मैं तो करके आ गया, और नंबर आ जाएंगे 0, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमेशा। तो ये वाले क्वेश्चन तो हमने फोड़ दिए थे, इसमें कुछ बचा नहीं करने के लिए। चलते हैं हम एक्सरसाइज। अच्छा ये तो हमने निपटा दिया है। बोलो याद है सबको, याद है? नमन को तो याद ही होगा। चलो नमन बताओ साइन 45 डिग्री कितना होता है? सर 1/√2, ठीक है, जोर से बोलना है, जय माता दी। चलो साइन 90 कितना होता है? सर साइन 90, सर साइन 91 वन होता है, कॉस 0 वन होता है, कॉस 30 कितना होता है? √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2 एंड कॉस 60 1/2, ठीक है। टेन 30 1/√3, टेन 60 √3। जब भी रात में सोते हो या कभी भी जाते हो स्कूल में, अपने आप से बातें करते रहो कि हाँ मुझे ये वैल्यूज याद हो जाए धीरे धीरे। पीरियोडिक टेबल हो गई, टेबल्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज हो गई, याद हो जानी चाहिए आपको। चलो इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बाकी साइड्स निकालनी है तो चिंदी वाले सवाल उतने हम बड़े आराम से निपटा देंगे। जिसको भी वैल्यूज याद होंगी इन सवालों को बोल देगा ऐसे खप करके खा जाएगा गाजर की तरह, गाजर का हलवा। ओके देखो बच्चों ध्यान से, जैसे ये 30 डिग्री दिखाई दिया मुझे, मुझे पता है साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा उसी का 10, ठीक है। और अगर नीचे निकालना है तो अगर ये 10 है तो बट ऑब्वियस है कि 10 स्क्वायर 100 स्क्वायर माइनस 25 करेंगे तो √75 आएगा, और √75 हो जाएगा बेटा 5√3। और तुम लोगों को अगर ये नहीं भी पता चले तो तुम उससे पता कर सकते हो। देखो इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होता है 30 डिग्री में वो 1/√3 का होता है। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 30 कितना होता है? 1/√3। तो अगर ये 5 है तो ये 5√3 होगा, ये 10 है तो 10√3 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे सवालों को जब देखते जाओगे धीरे धीरे आंसर दिमाग में घुसता जाएगा। अब क्या पूछ रहे हैं? लो ये पूछ रहे हैं, हमने बता दिया, ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तुम लोग कैसे करोगे? ऐसे लिखोगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, तो 1/2 इज इक्वल टू 5/ ए सी, ए सी इज इक्वल टू 5 × 2 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? फिर बी सी निकालना है, बी सी निकालने के लिए क्या करोगे? परपेंडिकुलर और बेस यानी 10 का इस्तेमाल होगा। लो भैया 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी, तो 1/√3 इज इक्वल टू 5/BC, बी सी निकालना है तो क्या हो जाएगा? 5√3 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों आ रहा है समझ में? सिंपल है ना? यस सर। अब हम पाइथागोरस थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, अब तो हमें वैल्यू पता चल गई है, अब तो हमारे, बोलो बच्चों है कि नहीं है? और इसी का इस्तेमाल तुम करोगे हाइट एंड डिस्टेंस में। अभी से तैयार हो जाओ, अपने मानसिक रूप को तैयार कर लो, इसको तैयार कर लोगे, अपने मन को तैयार कर लो। बताओ बच्चों 3 और 6 दिखते ही पता चल गया ये वाला एंगल कितना होगा? 30 सर।
बेचारा जो जोश में बोलने के लिए अपने आप को म्यूट अनम्यूट करते करते बोल ही नहीं पा रहा है। कितना हो अरे गया सर ये 30 थर्टी हो डिग्री गया। और ये 30 हो गया तो ये कितना हो गया बच्चों 3√3। क्या पूछना चाहता है? एंगल पूछना चाहता है? लो भैया हमने तो देखते ही बता दिया। बोलो देखते ही आंसर आया कि नहीं आया मन में, जो पूछ ले। अब हमें आंसर की तरफ जाना है। हमें पता है फाइनल प्रोडक्ट सांबर है, तो हम कैसे भी करके लास्ट में सांबर बना ही देंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन ऑफ आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, तो कितना हो गया 1/2। तो हम बोलेंगे साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 1/2, तो साइन ऑफ आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। पूछा गया एंगल आर, ठीक है। और एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल पी इज इक्वल टू 90 - 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। लो भैया और कुछ पूछना है? और भी कुछ पूछ लो, हम वो भी बता देंगे। और तो कुछ पूछा ही नहीं है, लेकिन देखते ही हमने आंसर बता दिया इसका। 1 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड में, ईमानदारी से। कितनी देर में? 5 सेकंड। दिख रहे हैं ना तुम्हें? अच्छा अगर यहाँ पे कुछ दिख जाए और इसका डबल यहाँ दिख जाए तो कौन सा डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बड़े आगे नोट हो गया, यस सर। बुक में देखें कैसे सोल्यूशन दिया हुआ है। बुक में वैसे ही दिया है जैसे हमने किया। यहाँ कारण पूछ लिया, हमसे पूछ रहे हैं, बताओ। पूछ रहा है क्यों, काहे? बता दिया हमने 90 में से 30 माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है भैया। चलो अच्छा यहां तो कारण बताओ, नोटिस दे दिया इसने। अगला सवाल है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा। बोल रहे हैं साइन ए माइनस बी अगर हाफ है और कॉस ए प्लस बी भी हाफ है और ए प्लस बी 0 और 90 के बीच में है और ए बी से बड़ा है, बोलो ए एंड बी क्या है? बहुत आराम से निकल जाएगा। हम लिखेंगे बच्चों साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। मैं भी यहां लिख दूंगा वाई। क्यों वाई? क्योंकि साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है कि नहीं होता? तो कायदे से यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 1/2 और फिर हम लिखेंगे साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। इक्वेशन 1। ऐसे ही हम लिखेंगे कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 1/2 होता है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 60। दूसरी इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 एंड एडिंग क्या आएगा बेटा? ए प्लस ए जुड़ जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a कितना आ जाएगा? 90। तो ए कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और ए 45 है तो भैया हम सब निकाल लेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, 45 - b इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 45 - 30 इज इक्वल टू 15 डिग्री। जो पूछा था हमने बता दिया, ए बड़ा आ ही गया है, बी भी आ गया। बोलो आ रहा है बच्चों समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया, लिख लो। चलो बच्चों आगे बढ़े। डन सर। यस सर। ओके अगला क्वेश्चन लो, एक्सरसाइज आ गई। तो मुझे बताओ कि इसमें स्टेप्स करें कि हम ऐसे ही कूद कूद के कर दें सारे क्वेश्चन। बोलो बच्चों, एक एक से पूछता जाऊंगा, ठीक है? एक एक से पूछता जाऊंगा, करते जाना। चलो ऐसे केस में ज्यादातर का आंसर क्या आता है? 1, 0, 2, 3 ऐसे ही आते हैं, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखो बच्चों। पहले बात देखो, sin 60 cos 30 बोला है, sin 60 cos 30, तो sin 60 cos 30 को हम cos ऑफ 90 - 60 भी लिख सकते हैं।
बच्चों। चलो तो मेरा पहला प्रोजेक्ट मोदी जी पे ही है। चलो बच्चों शुरू करते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन को अगर हम निपटाएं तो कैसे निपटाएंगे? मैंने क्या बोला, साइन 60 कॉस ऑफ 30 की जगह पे क्या कर देंगे, 90 माइनस 60। क्या कर देंगे, 90 माइनस 60। कॉस ऑफ 90 माइनस 60 प्लस साइन ऑफ 30, हमें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो हम साइन 30 को क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ 90 माइनस 60, और इसके बाद लिख देंगे कॉस 60। तो ये साइन 60 और ये भी साइन 60 हो जाएगा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। पर इसमें एक लोचा है। क्या लोचा है, लोचा ये है कि मैंने तो तुमको पढ़ा दिया है पर किताब ने अभी तक नहीं पढ़ाया तुम्हें, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको हमने दूसरे तरीके से करना है। ये थोड़ी सी गलती होगी। इसको हमें करना है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की होती है √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे करना है, ये नहीं करना। पर ऐसे भी करोगे तो आंसर वही आएगा। एग्जाम में तो, एग्जाम में देखो एक बात को समझो, जब एग्जाम में ये सवाल आएगा तो उसमें तो तुमने सब कुछ पढ़ चुके होगे ना, उसमें तो तुम सब कुछ पढ़ चुके हो। ऐसे थोड़ी है कि बोला भैया एक्सरसाइज ये तो 8.2 से आया, 8.3 का कैसे यूज कर लिया तुमने। तो वहां पे तुम ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी के हिसाब से, अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम देखेंगे तो इसका इस्तेमाल नहीं करना, इसका इस्तेमाल करना, और इससे और जल्दी आ रहा है आंसर। तो इसकी जगह पे हम ये करेंगे। आ रहा है समझ में? चलो दूसरे का बताओ कितना आएगा, अब एक एक करके बताओ। चलो क्षमा बताओ बेटा, सेकंड क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर? 10/45 कितना टू होता है, इंटू वन तो 1 स्क्वायर हो गया, यानी 1 हो गया। वेरी हाँ गुड। प्लस प्लस कॉस कॉस 30, सिक्स कॉस वन 30 बाई कितना होता टू है, थर्टी √3/2 उसका स्क्वायर कर दो कि कितना हो जाएगा, 3/2 3/4 बेटा, 2 का भी तो स्क्वायर फोर होगा। सॉरी हाँ 3/4 समझ में आया कि नहीं, √3/2 का होल स्क्वायर। और हाँ ओके। और माइनस साइन 60 कितना होता है, √3/2 सो ओके, थ्री बाई फोर √3/2 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को तो नेस्त नाबूद कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, नमन। कॉस 45 डिग्री तो पता ही होगा, क्या यस सर। वन लिखेंगे ऊपर, 1/√2। तुम 1 बोल रहे थे, कॉस 45 कितना होगा, 1/√2। √2 सेक 30 ये कितना होगा, तो साइन 30 बताओ कितना होता है, वन ये बाय कॉस का उल्टा होता है। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, √3 अपॉन तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस टू अपॉन √3 टू। कोसेक 30 कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है? हाँ ऐसे करना है, ध्यान से समझ लो सब बच्चे, आधी आधी जनता गलत करके आ जाती है। सबसे पहले इस कॉस 45 को मैंने अलग से लिख दिया, उसका √2 पहले से डिनोमिनेटर में घुसेड़ दिया, नहीं तो आदमी ऐसे लिखता है यहाँ पे, और कुछ महाशय ऐसे लिखते हैं और फिर भूल जाते हैं कि इसको ऊपर लेके जाना है कि इसको नीचे लेके जाना है, समझ ही नहीं पाते। तो कंफ्यूजन करना ही नहीं लाइफ में, कंफ्यूजन लाइफ में करना ही नहीं है। हमने भैया तुम्हें अलग निकाल दिया, अलग से इज्जत दे दी तुमको, लो भैया यहाँ पर खड़े हो जाओ तुम 1/√। फिर नीचे वाले को हमने 1/, और नीचे वाले को इज्जत दे दी 2/√3 प्लस 2/1। आ रहा समझ में? अब क्या होगा अगले स्टेप में, 1/√2 ऐसे ही रहेगा, ये नीचे एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, √3 हम एलसीएम ले लेंगे, तो 2 प्लस √3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। और ये √3 नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा √3/, तो बड़ा लोचा हो गया इसमें। क्या लोचा हो गया,
रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू वन प्लस टू प्लस टू रूट थ्री। तो ऐसे तो हम आंसर लिखते ही नहीं हैं, हम तो आंसर को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। देखो ये तो बड़ा सवाल हो गया, तो छोटा कैसे किया जाए? सर, स्टार्टिंग जो आपने फर्स्ट टू लिखा है 1/√2 ब्रैकेट वाले में, उसमें बीच में डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना बेटा? सर जो सेकंड वाला है उसका रेसिप्रोकल नहीं होगा? किसका रेसिप्रोकल होगा बेटा? रूट थ्री का। रूट थ्री तो ऊपर चला ही गया ना। देखो फिर से समझो, कंफ्यूज मत हो। जो तुम कह रहे हो वो ये कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि सर मैं ऐसे लिखूंगा 1/√2 डिवाइडेड बाई सेक 30 कितना होता है? तो सेक 30 कॉस का उल्टा होता है, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 होता है 2। तुम ऐसे कह रहे हो ना लिखने के लिए? नहीं फिर सर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना? हाँ, अरे ये √2 नीचे आ गया बेटा। डिनोमिनेटर का, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। न्यूमरेटर तो होता है। अच्छा, इसीलिए मैं इसको अलग से लिख देता हूँ ताकि अपने आप ही डिनोमिनेटर में आ ही जाए। नहीं आया समझ में तुम्हें? अब आया सर। आ गया? असली डिनोमिनेटर तो ये है नीचे वाला, ये डिनोमिनेटर नहीं है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, जिसको यहां पे लिख देते हैं हम लोग अलग से। आया समझ में? ठीक है। तुम ऐसे देखो बेटा, किसी ने आपसे बोला 4/2 / 6 / 7, तो कैसे करोगे तुम? तुम लिखोगे 4/2 इंटू 7/6 करोगे ना? पहले 4/2 करो और इसको 7/6 बना दो, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन कर दो, तो 2 और 6 आपस में मिल लिए, इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर आपस में मिल लिया ना, और इसका डिनोमिनेटर कहाँ चला गया? ऊपर। तो ये √3 ऊपर चला गया। आया समझ में? नहीं आया? आ गए आ गया। शमा बेटा आपको आया? बोली मुझे पहले से आता था। रूहानी तुम्हें आ गया? रूहानी बोली नहीं रही। हाँ सर, उसके मल्टीपल डिनोमिनेटर्स होंगे, एक इसके मल्टीपल डिनोमिनेटर बेटा, न्यूमरेटर के। एक न्यूमरेटर के मल्टीपल डिनोमिनेटर नहीं है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, अगर मैंने बोला 5/6 या फिर मैंने बोला 5/6, इन दोनों का मतलब सेम है, या फिर मैंने बोला 5/6 या मैंने बोला 5/6, इन सब का मतलब सेम है, समझ गए? एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। अब आते हैं दो में, अब आते हैं तीन नंबरों में आते हैं। जैसे किसी ने बोला 5/6/2, तो मन में सवाल आता है कि पहले 6/2 करूं कि पहले 5/6 करूं? ऐसे आते हैं मन में सवाल, लोग यूट्यूब पे पूछते रहते हैं, एक एक मिनट की शॉर्ट्स बनाते रहते हैं कि कैसे करेंगे इसको। इसको कैसे करते हैं? सिंपल तरीका है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करेंगे? 5/6, ठीक है, और जब डिवाइड का साइन होता है तो इंटू हो जाता है, 1/2 हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो असल में अगर इसको मैं उस तरीके से दिखाऊं तुम्हें, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5/6/2। क्या करेंगे? 5/6/2। तो न्यूमरेटर का भी तो डिनोमिनेटर निकला, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाता है? वो डिनोमिनेटर बन जाता है, तो 5/6 * 2 हो गया। तीन नंबरों के साथ, समझ गए? अब आ गया चार नंबरों के साथ। चार नंबरों के साथ तुम्हें किसी ने बोला 5/6/6/3, कैसे करोगे? इसको यहां से बांट दो, ये सेंटर पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 5/6, सबसे पहले हमने इसको लिखा 5/6, और फिर इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई करके 3/6 कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्षमा देखो बेटा फिर से, जब दो नंबर थे पता चल गया, तीन नंबरों में देखो कैसे करते हैं हम लोग। हम तीन नंबरों में यहां से डिवाइड करते हैं, तो 5/6 * 2 को हमने लिखा 1/2, ठीक है। तो ये हो गया, अगर हम यहां पे ऐसे देखेंगे तो 5/6/2, तो ये हो गया डिनोमिनेटर है, पर किसका है? न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर।
न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 5/6 इनटू 2। अगर चार नंबर है, चार नंबर है तो हमने यहां से पार्टीशन कर दिया, 5/6 ये लिख दिया और 6/3 को इनटू 3/6 लिख दिया, समझ गए? यस सर। ये बेसिक्स है, ये पढ़ाए जाते हैं ओके छठी क्लास में। अगर कई बच्चों को नहीं क्लियर होता है तो मैं सोचता हूँ एक बार फिर से बता देता हूँ, और मैं इन्हीं का यूज करता हूँ हमेशा। तो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कॉस 45 हो गया बेटा 1/√2 इंटू, मैंने इंटू में क्यों कर दिया, क्योंकि इस पूरी की पूरी चीज को मैं 1/अपॉन करूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए 1/अपॉन करूंगा। असल में उस क्वेश्चन को तुम ऐसे समझो, वो क्वेश्चन कैसे है, कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, यही है ना क्वेश्चन। अब क्या होगा बेटा, हम क्या करेंगे, कॉस 45 इंटू, इसको कैसे लिखेंगे, 1/अपॉन ही तो लिखेंगे। अभी आया रमन, नमन तो मिटा दे रहा हूं मैं। अब नीचे जब हम सॉल्व करेंगे तो सेक 30 कितना आया था, 2/√3 प्लस 2। अब ध्यान से देखना, काफी बड़ा सवाल हो रहा है। तो 1/√2, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया 1/1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3। ये समझ में आया तुम लोगों को, मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया 1, एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम आया बेटा √3, तो 1+√3 डिवाइडेड बाई √3, समझ में आ रहा है? देखते जाना, अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। ये √3 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ गया √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 1/2 इंटू ब्रैकेट में 1+√3। अब मुझे सबसे पहले इसको निपटाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो हम इसको लिखेंगे इंटू √3-1 डिवाइडेड बाई √3-1, समझ में आ रहा है कि नहीं। ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों √3/√2 इंटू 1/2 इसका, और यहाँ हो जाएगा √3-1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3-1, ठीक है। तो अब इस, अब ये √2 भी बचा हुआ है, 3 और √3-1 √3, तो आपका आंसर आएगा फाइनल आंसर 3-√3 डिवाइडेड बाई। ओहो, एक ये √2 रह गया था बेटा, यही आंसर दिया हुआ है, आंसर देखो यही होगा 3√2-√3 इंटू √2 कितना हो गया √6 डिवाइडेड बाई 8, ये आंसर बुक में यही दिया हुआ है। ये yes, √2, ये √2 मल्टीप्लाई करना भूल गया था मैं, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई होगा इनसे, और इसके बाहर एक √3 भी तो था। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं, ये √3 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 से तो 3 बन गया, और इस √2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3√2 बन गया, तो 3√2 और √3 इंटू √2 कितना हो गया √6, तो -√6 और नीचे तो 8 था ही। बोलो बच्चों आया समझ में? यस सर। कोई तकलीफ किसी को, बोले नहीं सर नहीं आएगा, फिर से बता दो, बता दूंगा मैं, ये तो दिहाड़ी चल रही है। बोलो रूहानी बेटा। सर अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन देखो देखने में बड़े हल्के लग रहे हैं लेकिन है नहीं, जब उसमें रेशनलाइजेशन घुस गया ना तो थोड़ा सा अलग ही लेवल का हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। साइन 30 क्या होता है बच्चों, 1/2 प्लस, अब इसमें 1/2 अलग नहीं कर सकता जब तक पूरा ऊपर ना सॉल्व कर दूं, 1-cosec 60, sec cosec किसका, साइन का उल्टा होता है, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो cosec 60 कितना होगा 2/√3 डिवाइडेड बाई sec 30 कितना होगा बच्चों, sec 30 हो जाता है cos 30 का उल्टा, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये भी हो गया 2/√3 प्लस cos 60, cos 60 बताओ बच्चों कितना होता है, 1/2, ये तो पता ही हमें, cot 45 कितना हो गया 1। अब कोई जोश में कैंसिल मत कर देना, नीचे प्लस में ऊपर माइनस में, ऊपर एक नंबर माइनस है नीचे सारे प्लस में, बाकी नंबर तो सेम ही है सब, ठीक
ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर सॉल्व करते हैं, तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, √3, 2√3 आएगा। देखो 2 और √3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो 1 के ऊपर आ जाएगा √3, इसके ऊपर आएगा √3, इसके ऊपर क्या आएगा +2√3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे यस सर, और यस इसके ऊपर क्या आएगा -4। ये तो हमने सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व किया, अब नीचे वाले सॉल्व करने में दिमाग थोड़ा सा कम लगाते हैं क्योंकि नंबर तो वही है। तो अब हमें पता चल गया बेटा कि क्या आएगा, √3, और तीनों को जोड़ देंगे, √3 +2√3 +4। बोलो समझ में आया? अब ये इसको निपटा देंगे भैया, दोनों निपट जाओ। ये कंफ्यूजन का सबसे बड़ा महान कारण होते हैं, इनको यही खत्म कर दो। ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, तो यही काट दिया हमने। अब सॉल्व करना है बेटा, तो √3 + 2√3 कितना हो गया, 3√3 -4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 + 3√3। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि जब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे जोन सा नंबर इन दोनों में बड़ा हो, जिसका स्क्वायर बड़ा हो। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 3√3 4 को क्रॉस कर जाता है। 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9 3 27। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 - 4 से। मैं सोच रहे थे बड़े हल्के सवाल है, यहाँ तो पानी भर दिया इसने, ये तो पानी भर दे रहे हैं भैया। तो ऊपर क्या आ गया, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 27 - 16। तो 27 - 16 हो गया बच्चों 11, और अब ऊपर खोलते हैं, शुरू करते हैं। तो ऊपर सबसे पहले 3√3 तो अपने आप हो गया 27, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 2 4 8 और 8 3 24, तो -24√3। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, फाइनल आंसर भी इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 43 - 24√3 डिवाइडेड बाई 11। देखो बच्चों, मतलब देखो सवालों में दम तो था नहीं, तो इन्होंने तुम्हें क्या रैशनल नंबर पढ़ाना शुरू कर दिया और उसके अंदर रैशनलाइजेशन घुसा दिया। बोला भैया रैशनल नंबर ऐड करो, रैशनल नंबर डिवाइड करो, रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, और लास्ट में जो नीचे अंडर रूट आए उसको रैशनलाइज कर दो। सवाल बढ़ा दिया, और कुछ नहीं है सवालों में, आ रहा है समझ में? और एक छोटी सी मिस्टेक तुम्हारा पूरा गड़बड़ कर जाएगी, तो बहुत ध्यान से करना है, रीचेक करना है हर एक स्टेप में, गलती तो नहीं कर दी मैंने यहाँ पर। जैसे सवाल करके बैठना नहीं है, सवाल करके दोबारा चेक करना है। अच्छा देखो यहाँ पर 2√3 है, 2√3 है, 2√3 है, सही है। यहाँ पे मैंने तीनों नंबर लिखे, 2 × 2 = 4 आएगा, और 4 लिख चुका हूँ मैं, और ये आएगा √3 और ये आएगा 2√3, तीनों नंबर लिख दिए मैंने। पर यहाँ मैंने चटकी में कॉपी पेस्ट मार दिया था मैंने नीचे, हालांकि 4 यहाँ आना चाहिए, 4 पहले आना चाहिए, फिर आना चाहिए आपका √3, फिर आना चाहिए 2√3, पर मैंने लिख दिया, वैसे ही स्मार्टनेस दिखा दी मैंने, और इन दोनों को काट दिया मैंने, और स्मार्टनेस दिखा दी, फिर थोड़ी सी स्मार्टनेस यहाँ दिखा दी, a - b का होल स्क्वायर, a² b² - 2ab। बोलो ये भी नहीं आ रहा है समझ में, तो बताओ कि सर ये कैसे कर दे। आई होप कि इतना तो मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम्हें आता होगा, 9th में पढ़ा। यस सर। रूहानी बेटा आ रहा है? यस सर। तुम बड़ा दुखी दुखी बोलती हो यार, तेज नहीं बोलती हो, जोर से बोलो। तुम्हें रहते हो वहाँ उसके पास में, क्या बोलते हैं, सबसे पास तो तुम ही हो जय माता दी के, तुम ही इतना धीरे धीरे बोल रही हो। चलो आगे बढ़े, लग गए चलो, लग जा नहीं रही तुम वैष्णो देवी। अगला क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम लोग, हमने ये किया था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 5। मैं चाहता हूँ इसको तुम लोग करो बच्चों, ये टेस्ट है तुम्हारा, ठीक है, इसको करने के लिए मैं तुम्हें देता हूँ 3 मिनट।
सर हो गया कितना आया? सर, 67/12। बहुत बढ़िया, करेक्ट, 3 मिनट में आ गया। समय देखो बेटा, हाँ समय है यस रूहानी, सर, आ गया आपका भी? रूहानी मुझे बेटा आपका भी आ गया? यस सर। इतना फिर इतना धीरे बोलती हो यार तुम। सर हाँ बेटा, ये 67/12 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है? हाँ ना 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 ना, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में? मिक्स फ्रैक्शन में, नहीं 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 सॉरी। नहीं नहीं बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करना। तब करना होता है जब क्वेश्चन ही उस हिसाब से दिया रहता है। क्वेश्चन ये दिया तो यही, तो ये हो गया। अब बोल रहा जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई वाले सवाल मुझे बड़े खतरनाक से लगते हैं। हम कह तो देंगे लेकिन क्यों का जवाब नहीं देंगे हम। क्यों? चलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। 2 tan 30 degree प्लस 1 plus tan²30 degree। तो 2 tan 30 कितना हो गया? 2/√3। और 1 plus tan²30 degree कितना हो गया? 1 plus tan²30 कितना होता है? 1 plus tan²sec² होता है। लो अभी तुमको पढ़ना भी, सॉरी तुम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हम तो यूज करेंगे एग्जाम में। पर तुम वैल्यू भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 30 हो गया 1/√3, और 1 plus tan²30 degree यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2/√3 × 1/, अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1। 3 + 1 यानी 4/√3, और रूट थ्री ऊपर चला जाएगा तो इसका इसका निपट जाएगा, ये भी निपट जाएगा। तो 1/2 कौन होता है? 1/2 होता है sin 30 degree। हमारा आंसर आएगा डी। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? तो अब मैं चाहता हूँ यहीं पे कंपटीशन शुरू करते हैं हर एक बच्चे के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तुम लोग निकालो, बताते जाओ। यहाँ पे देखते हैं, नंबर जोड़ लेते हैं सबके। टाइम वाइम बेटा 2 मिनट है। टाइम कितना है? 2 मिनट हर एक सवाल के लिए। एक एक नंबर का सवाल होगा तो 2 मिनट दे देते हैं। तो मैं चाहता हूँ शमा जीते, क्योंकि शमा भी एस से है और मैं भी एस से हूँ, तो एस नाम के बच्चों की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। फिर नमन और रूहानी, देखते हैं कौन जीतता है। तीन को यहाँ पे डाल देते हैं। जो भी जो आंसर बताता जाएगा लिख बताते जाना मुझे, ठीक है? मैं टाइमर के साथ भी आंसर सर, लिखूंगा। सेकेंड का सी है, sin 45। सेकंड का क्या बोले तुमने? sin 45। ओके, शाबाश नमन। सर सेकंड का मेरा डी ऑप्शन आ रहा है, बी आर है डी। डी। यस ठीक है, देखते हैं बेटा, सबके आंसर लेंगे, सबका बदला लेगा मैं। सर, थ्री आंसर का ए। का ए बोल रहे हो तुम? लो यस ए लिख दिया मैंने। यही है, 2 degree आंसर है। जमा तुम्हारा आया आंसर? यस सर। किस किस का आया? सेकंड का है 0 और अच्छा, थर्ड का है 0 degree। थर्ड का भी 0। हाँ अच्छा, शाबाश, क्या बात है। सर, थर्ड का ए आ रहा है 0। थर्ड का ए आ रहा है। अच्छा, रूहानी का है। चलो शाबाश रूहानी के, दोनों आंसर सही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि शमा और रूहानी पैरेलल में चल रहे हैं। नमन भाई साहब बोल रहे हैं हम भैया इनसे अलग हैं, हम इनसे बिल्कुल नहीं वाकिफियत रखते। जबकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 10 45 1 होता है, और 1 - 1 0 होता है। तो मुझे तो दिख रहा है कि ये डी है। पता नहीं कहाँ है भैया, 1/√2 कहाँ से लेके आ गए। हाँ सर फोर्थ वाले का है 10/60। 10 60। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। तो 2 tan 30 degree हो गया 2/√3, और 1 - tan²30 हो गया बेटा 4/3, यानी ये हो जाएगा 2/√3। 3 - 4 यानी कि -1, 3 - 1 2, 2 × 1/√3 × 1/√1 1/10²30। तो भैया ये हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर, और 3 - 1 हो गया 2, और ये हो गया भैया √3। 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कितना बोला बेटा? सी बोला।
शाबाश सुहानी, शाबाश, बिल्कुल दिल जीत लिया तुमने, कमाल कर दिया, शाबाश। और हमारे नमन जी चौथे का ऑप्शन ही नहीं बता पा रहे हैं, दो के बाद रुक गए नमन, कि बोले थे म्यूट कर गया, मैंने दिखा नहीं भैया, हमने लिखा नहीं, तीन क्वेश्चन दिए थे और अच्छा तीन क्वेश्चन ही तो थे, एक तो हमने कर दिया था, नहीं आ रहा तीसरा किसी को। क्षमा बोल रही मैं स्कूल की नोटबुक से खोल खोल के देखोगी, प्लेट प्लेट के देख रही हो अपन का शब्द देखता है नमन, नहीं आ रहा है, 4 मिनट हो गए, 4 मिनट में तुम तीन सवाल कर नहीं पा रहे हो। सर मेरा 1/√3 आ रहा है फोर्थ का। तो 1/√3 क्या होता है? तो अभी तो सिखाया था तुमको, अभी तो सिखाया था, है नहीं हुआ तुमसे, मुझे पता चल गया तुम्हें नहीं आता है रैशनलाइजेशन, वो 6वीं क्लास की तुमने मैथ ढंग से पढ़ी नहीं, सीधे 10वीं में कूद के पहुंच गए सारे आंसर सही है तुम्हारा, दूसरा क्या गलत है? तुम sin 45 क्यों बोले भैया? यहाँ पे 0 0 नहीं हो जा रहा है, तुम sin 45 कैसे निकाल दिए? कुछ भी क्षमा का ठीक है, 0 डिग्री डी बिल्कुल सही है, दूसरे का भी इसने बोला सर 0 डिग्री है, सही है इसने, दूसरे का तो तुम तीनों का ही सही है। अगला आ जाओ, ये वाला, ये देखो बेटा 2 tan 30 degree कितना हो जाएगा, 2/√3 इंटू, इसको अलग कर दिया मैंने कंफ्यूजन ना करने के लिए, इसको अलग से ले गया, 1 - tan²30 degree, तो 1 - tan²30 कितना हो जाता है 1/3, है ना, 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 1/3। तो जब हम एलसीएम लेंगे ये हो गया बेटा 2/√3 इंटू, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस, मतलब एलसीएम लोगे नीचे जब तो 3 - 1 यानी कि 2 आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बन जा, √3 √3 जा, तो आंसर कितना आया √3, तो √3 कितना होता है बेटा 10 60 डिग्री, आ रहा है समझ में? यस सर। रूहानी बहुत बढ़िया, कमाल कर रही हो, शाबाश। चले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज ही नहीं पढ़ की, लो उसी की बात, खुशी की बात है और कह रहा है कि टेन ए प्लस बी √3 है, टेन ए माइनस बी 1/√3 है, तो बच्चों बताओ मुझे टेन ए प्लस बी कितना डिग्री होगा, इसका एंगल √3 के बराबर होता है 60 डिग्री, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारी पहली इक्वेशन आएगी ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखो बच्चों, हम लिखेंगे टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 10 of 30 डिग्री, यहाँ से मालूम पड़ता है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। बोलो बच्चों, बोरे, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन को 2 और फिर हमने माइनस कर दिया बाबा, और माइनस करते ही जोड़ देते हैं, माइनस क्या करेंगे जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो a आ जाएगा 45 डिग्री और b आपका आ जाएगा 15 डिग्री। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, बताओ बच्चों, सर बोलो बेटा,
एंगल ए है 45 एंड एंगल बी है 15। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम निकालने लग गई थी, मुझे तो लगा मैंने सॉल्व कर दिया। शाबाश, नहीं, मैंने बहुत खुद ही निकाली। बहुत ही ईमानदार, बहुत बढ़िया, शाबाश। हो गया। तुम लोगों ने, चलो बच्चों शुरू करते हैं अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला सवाल नमन तुम्हारे लिए, क्या ऐसा हो सकता है? नो सर, फॉल्स। फॉल्स है। किसने कहा? तुम्हारे मन ने, अंतर मन ने कहा, कॉमन सेंस ने मान ली बात। सर वो ए और बी को कोई एंगल कोई मान भी एंगल के। डाल दो, नहीं होगा। क्षमा बेटा, आप बताओ। द वैल्यू ऑफ साइन डीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, क्या ये बात सच है? ट्रू है सर। बिल्कुल सही। हम देखते हैं साइन ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो, और साइन ऑफ 90 कितना होता है, वन। पर ये जो बात है ना, ये आधा अधूरा सत्य है, तुम्हारे लिए पूरी तरह से सत्य है, इसलिए है क्योंकि तुमने यहीं तक पढ़ा है। लेकिन बेटा साइन ऑफ थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 से 90 डिग्री। जब 90 से आगे जाता है ना ग्राफ, तो फिर ये घटना भी शुरू होता है, ठीक है? तब ये घटना भी शुरू होता है, लेकिन 0 से 90 के बीच में हम बोलेंगे हमेशा ट्रू है। चलो कॉस का बताओ। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज जीरो इंक्रीजेस, सच है ये फॉल्स फॉल्स है? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। खाली 45 डिग्री के लिए सेम है। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। बताओ नॉट डिफाइंड कब होता है बच्चों? जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। क्या इसमें डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है? कॉट ए क्या होता है बेटा? कॉस ए अपॉन साइन ए, ए की वैल्यू कितनी दी है? जीरो, यानी 1/0, यानी कि क्या होगा, ये हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है? नमन क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। रूहानी बेटा समझ में आ रहा है? जमा बेटा आपको आया? यस सर। आगे बढ़े। तो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, ये मुझे बताने की जरूरत है तुम लोगों को? बता दिया मैंने, बता रखा है। जमा ने डेमो क्लास में पढ़ लिया था, पिछली क्लास में थोड़ा सा रिवाइज किया था, नमन ने भी पढ़ लिया था। चलते हैं एक्सरसाइज 8.3। आखिरी एक्सरसाइज है क्या? नहीं, चलो कर ही लेते हैं। फटाफट से बता दो बेटा, ये तो मेरे ख्याल से अगले 10 मिनट में हो जानी चाहिए, 7 बजे तक हम इसको निपटा देंगे 8.3 को। चलो बताओ बच्चों, ये वन हो जाएगा? ऊपर कॉस 72 हो जाएगा ना, देखना शुरू करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना शुरू करो। ऊपर कितना हो जाएगा? ये कॉट ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? नीचे कितना हो जाएगा? टेन 26 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैंसिल होके 1 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा? जीरो, देखते ही पता चल रहा है क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है? कैसे वन बनाओगे? तो इसको बना दोगे कॉट, इसको बना दोगे कॉट, तो ये कॉट और ये टेन मिलके वन हो जाएंगे। इसको भी बना दोगे कॉट, तो ये कॉट 48 और ये टेन 48 मिलके वन बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये करके दिखाऊं? बोल दो, एक कोई बोल दे हाँ करके दिखाओ तो करके दिखा देता हूँ, नहीं तुम समझ गए हो तो छोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। करके दिखा दीजिए करके सर। दिखा देता हूँ, पहला क्वेश्चन तो मान लिया कि पहला भी करके दिखा दूँ? पहले पहला वाला सही है। वाले में एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है? मान लो मैंने कर दिया तुम्हारे सामने सेकंड क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे बच्चों टेन ऑफ 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ 64 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद होना चाहिए, साइन का टेन, साइन का कॉस, टेन का कॉट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, चाहे कॉट लिख दो, कॉट ऑफ 90 माइनस 64, सॉरी टेन ऑफ 90 माइनस 64 डिवाइडेड बाई कॉट 64।
तो टेन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, कैंसिल होके कितना आ गया, वन। ये हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन, इसी तरीके से सारे हो गए। ठीक है, जैसे इसको भी अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इसको लिख देंगे कॉस ऑफ 90 माइनस 42। ठीक है, इसको देखते ही पता चल गया कि दोनों 92 है, तो कॉस ऑफ 90 माइनस 42, 48 ही तो होता है, 48 को हमने स्प्लिट कर दिया, तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या हो गया, 0। बोलो बेटा, आ रहा है समझ में अभी? ठीक यस सर। है, इसको मिटा दे रहा हूँ, चल रहे हैं शो दैट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, मिटा दूँ इसे? हाँ, यस पहला क्वेश्चन, 10:48, 10:23, 10:23 को मैंने लिख दिया बेटा कॉट ऑफ 67। रुको, तुम लोगों को वैसे दिखाना पड़ेगा, तो 10 ऑफ 90 माइनस 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 67। ठीक है, इंटू 10:42 को क्या लिख देंगे, 10 ऑफ 42, मतलब 90 माइनस 48 इंटू 10 ऑफ 67 डिग्री। किसी भी दो को चेंज कर दिया आपने, किसी भी दो को चेंज कर दिया, इजिकल टू वन मत लिख देना, इजिकल टू वन लाना है, कि तुम इजिकल टू वन कर दो, इजिकल टू वन लाना है। ठीक है, इजिकल टू वन है नहीं अभी, वो तो इजिकल टू यहाँ पे होगा इसके नीचे, तो हम यहाँ से लिखेंगे बेटा 10:48, तो ये क्या हो जाएगा, 10:90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, यानी कॉट ऑफ 67। 10:90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट ऑफ 42 डिग्री, 48, कॉट ऑफ 48 डिग्री इंटू 10 ऑफ 67। तो 10 और कॉट दोनों मिलके अगर सेम एंगल हैं तो वन बन जाते हैं, मैंने बताया था 10 थीटा कॉट थीटा वन होता है, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, या आप ऐसे लिख सकते हो 10:48 डिग्री इंटू कॉट को लिख दो 1/10 67 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हो, इंटू कॉट को लिख दोगे 1/10 48 डिग्री इंटू 10 ऑफ 67, ये कैंसिल कर दो, इजिकल टू वन, ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी यूज़ कर सकते हो। आ रहा है समझ में? क्षमा बेटा रूहानी, यस सर। ओके नोट कर लो, और फिर मैं उम्मीद करूं एक क्वेश्चन तुम लोगों का होमवर्क हो जाएगा, ये वाला तो आप कर लोगे। यस इसमें एक को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, इसको इसको मान लो तुमने 52 बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, 52, तो ओके 52 में क्या हो जाएगा, साइन 52 हो जाएगा, तो साइन 52 कॉस 52, तो यहाँ पे साइन 38 को क्या बना दोगे, कॉस 52 बना दोगे, तो ये भी कॉस 52 साइन 52 हो गया, दोनों सेम हो गए, काट देना, 0 हो जाएगा। समझ गए? चलो मिटा दूं इसे। हाँ नोट कर लो, 4 मिनट बचे हैं, अभी खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज, फिर अगली एक्सरसाइज में चलेंगे, अगली क्लास में हमने हाइट एंड डिस्टेंस निपटा देना। क्षमा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, 10:2a इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18, कॉट ऑफ ए माइनस 18। ठीक है, तो बोल रहे हैं 2a एक एक्यूट एंगल है, तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा दोनों को 10 में चेंज करेंगे, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसी को 10 ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्या है इस बार, ए माइनस 18। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक यस सर, कॉट थीटा को हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, अच्छा ब्रैकेट गलत बना दिया था मैंने, ब्रैकेट में लिखेंगे 10 ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह पे हमने 90 माइनस थीटा कर दिया। अब बेटा ये इसके बराबर हो गया, इसका मतलब हम लिखेंगे 2a इज इक्वल टू 90 माइनस ए माइनस ए प्लस 18। ये गलती मत करना, ये माइनस जो है ना ए के साथ है और 18 के साथ प्लस हो जाएगा, आधी जनता इसमें गलत कर देगी,
माइनस ए माइनस 18 कर देती है, तो ये ध्यान रखना है आपने। अब 90 प्लस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, और ए को इधर ले आएंगे तो 2a प्लस ए इज इक्वल टू 108। तो बच्चों 3a हो गया आपका 108, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई 108 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 36 डिग्री। और a आपका 2a एक्यूट एंगल है भी, देखो 2 इंटू 36 करोगे क्या होगा 72 ही होगा, एक्यूट एंगल भी है, तो हमारा a आ गया 36 डिग्री। देखो नोट कर लो फटाफट। वो भी सही बात है सर। ये हो गया बच्चों, मिटा यस सर। दिया जाए इसको, आगे बढ़े, क्षमा हो गया बेटा। यस सर। यस ओके डन। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मैं तो चाहता हूँ इसको तुम ही लग कर लो, बताओ। टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, तो हम क्या लिखेंगे, टेन ए इज इक्वल टू टेन ऑफ 90 माइनस बी, ऐसे बोलेंगे। कॉट बी को क्या बोलेंगे, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा बोलते हैं ना, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 90 माइनस बी। लो भैया ये कोई सवाल था, बेइज्जती करा दी, 10 सेकंड का सवाल था, बी को इधर ले आओ, हो गया। देखो बच्चों जल्दी कर लो फिर चलते हैं आगे, 7 बज गए, अभी 15 मिनट और बचे हैं हमारे पास। हो गया सर। हो गया, हटा दे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20। तो सेक थीटा कोसेक थीटा किस तरीके से रिलेटेड है, उसी तरीके से रिलेटेड है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक ऑफ 4a इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस a माइनस 20। राघव राघव कह रहा हूँ, नमन बेटा यहाँ पे ध्यान देना, 90 माइनस a माइनस 20, तो जब a बाहर आएगा तो a नेगेटिव होगा और 20 पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिखेंगे 4a इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 20। तो a को इधर लेके आ जाओ और इन दोनों को जोड़ दो, तो 4a प्लस a इज इक्वल टू 110, तो 5a इज इक्वल टू 110, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। और भी कुछ निकालना था क्या, नहीं। और 4 इंटू 22 करोगे तो 88 आ गया, तो वो भी एक्यूट एंगल है। पता नहीं है काहे लिखते हैं, हमारा हमारा तो आ ही रहा है भाई, हमारा तो वो आ ही रहा है जबरदस्ती है। अगला बेचारा टेंशन में चला जाए, कोमा में चला जाए, बोले अबे ये तो यार एक्यूट एंगल है, बोला 4a एक्यूट एंगल है, कैसे निकालेंगे इसको, बोले तुम निकालो वही आ ही रहा है। हो गया ये भी रूहानी बेटा, डन। यस सर डन। लो सब डन हो गया, दे देना डन हो गया, ये एक्सरसाइज भी निपट गई बाबा। अरे दो सवाल तो रह ही गए। सातवां सवाल बड़ा मजेदार है, हटा देखते हैं पहले। इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट, तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा साइन ऑफ पी प्लस सी बाई टू, इज इक्वल टू साइन ऑफ पी प्लस सी बाई टू। देखो कैसे होता है बच्चों, ध्यान से समझो, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90 होता है, 180 सर। 180 होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बी प्लस सी का सम कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 180 माइनस ए होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं यस दोनों सर। तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, टेकिंग हाफ ऑफ बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा, तो ये 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। बोलो b प्लस सी बाई टू 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा ना, तो हम इसको लिख देंगे साइन ऑफ 90 माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू आर एच। समझ में आया, पहले हमने बताया b प्लस सी बाई टू 90 माइनस a बाई 2 होता है, फिर हमने इसको रिप्लेस कर दिया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया
इसकी जगह पे, और फिर ये पर्टिकुलर चीज हो गई कॉस ऑफ ए बाई टू, क्योंकि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा हो गया, तो यही तो प्रूव करना था, RHS हो गया। कोई दिक्कत? नो बोल रहा है इसको उस तरीके से रिप्रेजेंट करो, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉस 90 माइनस थीटा कर देंगे, लिखेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 23 डिग्री, और इसको क्या लिख देंगे साइन ऑफ 15 डिग्री। लो हो गया, बच्चों वाला सवाल था। सवाल समझ में आया? सवाल बोल रहा था भैया कि जो एंगल दिया है यहाँ पे कम कम एंगल डालो, 0 से 45 के बीच में डालो। उन्होंने बोला ठीक है भैया, हम 90 में से घटा देते हैं, तो साइन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा यानी थीटा कितना है 67, तो कितना हो गया 23। ऐसे भी सोचो दिमाग में, तुम लोगों ने हमेशा दिमाग में राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। तो अगर मैंने बताया था आपको पहली क्लास में, मैंने बताया था कि जो साइन का थीटा होता है वो कॉस का 90 माइनस थीटा होता है, तो साइन का 67 डिग्री है तो कॉस का कितना होगा 23, तो साइन का 67 है कॉस का कितना होगा 23। समझ में आ रहा है? और कॉस 23 लाने के लिए साइन 90 माइनस 67 करना पड़ेगा, इसमें भी ऐसी 15 डिग्री होगा। आ रहा है समझ में? मान लू एक्सरसाइज भी हो गई। यस अब बचती है आखिरी एक्सरसाइज, ये थोड़ी सी टफ है पर मैंने फिर भी तुम लोगों को सिखा दिया काफी, तो तुम्हारा टफ जो है आसान हो जाएगा। इसके हर एक क्वेश्चन को हम करेंगे अभी। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए टेन ए एंड सेक इन टर्म्स ऑफ साइन ए। अच्छा और भी क्वेश्चन है, शुरुआत कहाँ से हुई है? चलो तो एग्जाम्पल 2 ही करते हैं सबसे पहले। पहले क्वेश्चन समझो, मेरे को तो पहली बार क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बेटा। क्वेश्चन ये है कि कॉस ए टेन ए और सेक ए, जब मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो बोल रहा है मेरे मुंह में ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए, मेरे मुंह में सिर्फ साइन 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 घुसना है। तो अब मैं अगर कॉस ए को लिखूंगा, कॉस ए को मैं लिखूंगा साइन ए के फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा? और 90 माइनस ए मत लिख देना 90 माइनस ए मत लिख देना, इज इक्वल टू 90 माइनस ए लिख तो दिया, ये नहीं। तो ध्यान से देखो बच्चों, मैं लिख सकता हूँ ऐसे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं, तो कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, तो कॉस एफ ए क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, पहले का, पहले का। दूसरे का, दूसरे का टेन ए बोला है बेटा, टेन ए को कैसे लिखते हैं हम लोग, साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए हमने अभी अभी लिखा, तो हम लिखेंगे साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसको रैशनलाइज मत करने लग जाना, करोगे मत करना, यहीं छोड़ देना, देख ले बुक में, बुक में ये है भी कि नहीं तुम्हारे। अच्छा ये तो, अरे ये मैं इसका सोल्यूशन देख रहा हूँ, ये तो सोल्यूशन दिया ही होगा, एग्जाम्पल है दिया तो है इन्होंने, यही लिखा है, यही पे छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि हमें तो साइन ए के फॉर्म में लिखना था ना। और तीसरा देखो क्या है, सेक ए, सेक ए क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन कॉस ए होता है, और कॉस ए हम निकाल चुके हैं, क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गए तीनों। बोलो बच्चों आ रहा है समझ में? सिंपल क्वेश्चन था, कर यस लिया नोट? रूहानी क्षमा, सर, यस सर, अगला क्वेश्चन। अरे यहीं कट गया, बोल रहे हैं इसको 1 प्रूफ करना है। लो भैया यहीं से शुरू हो जाते हैं, तो
मैं सबको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, कॉस में, साइन और कॉस में कर देना, सबको साइन और कॉस में कर देना, सिंपल तरीका। तो सेक ए को हमने कर दिया वन अपॉन कॉस ए, वन माइनस साइन ए तो साइन ही रहेगा, सेक ए को हम फिर से कर देंगे वन अपॉन कॉस ए, और साइन ए को हम कर देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो देखो ध्यान से बेटा, ये हो गया वन माइनस साइन ए इंटू वन माइनस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे भी कॉस ए है, दिखाई दे रहा है? तो वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन ए क्या हो जाता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। वन माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। एक फ्लो में तुम चलते जाओगे तो सवाल का जवाब अपने आप निकलता जाएगा। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? बेसिक लॉजिक ये है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखें सभी को कॉस और साइन में चेंज कर दो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, सबको चेंज करते जाओ साइन और कॉस में, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो हमें दिख ही जाता है, या हम ढूंढ लेंगे उसको, बना लेंगे। हो गया, चलो बेटा नमन रेडी, ध्यान से देखना। अब इसमें कॉट और कोसेक दे रखा है, तो यानी हमें फिर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉट ए क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई वन डिवाइडेड बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई वन। ठीक है, तो साइन ए को हम अच्छा, तो साइन ए को हम कोसेक ए लिख सकते हैं। बोलो, साइन ए को हम कोसेक वन अपॉन कोसेक लिख सकते हैं ना, वन अपॉन साइन ए को कोसेक ए लिख सकते हैं ना, हमें तो कोसेक ए ही चाहिए, राइट साइड में yes, दिख रहा है कोसेक ए, तो इस कोसेक ए को ऊपर लेके चला जाता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया कोसेक ए, और इन दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, इन दोनों में कॉमन ले लिया, कॉस ए को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, वन अपॉन साइन ए बन जाएगा कोसेक ए माइनस वन, और नीचे इन दोनों में से भी कॉस ए कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में यहां से ये वन अपॉन साइन ए ये भी कोसेक ए बन जाएगा, तो ये कोसेक ए प्लस वन, कॉस ए कट गया इज इक्वल टू आर एच। बोलो बच्चों हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारी अप्रोच समझ पा रहे हो तुम लोग किस तरीके से हो रही है? हमने पहले सबको साइन कॉस में बदला, फिर हमने देखा अच्छा आर एच एस में क्या है, कोसेक है भैया, तो साइन को हमने कोसेक बना दिया, और फिर हमने देखा बाकी चीजें कट गई, सवाल होता भी है सॉल्व होने के लिए। हो गया, चलो हम बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।